हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा चार की पुस्तक संस्कृत सुधा को, जिसमें हम पढ़ेंगे पाठ 9 शरीरस्य अंगानि। तो चलिए हम पढ़ते हैं और उसके अर्थ को जानते हैं। केशा, तो केशा मीन्स होता है बाल। नेत्रम, नेत्रम मीन्स होगा आँख। नासिका, तो नासिका मीन्स होता है नाक। अधर, अधर मीन्स होता है होठ। स्कंध, स्कंध मीन्स होता है कंधा। वक्ष, वक्ष मीन्स होगा छाती। हरत, हरत मीन्स होगा हाथ। कटी, कटी मीन्स होगा कमर। अंगुल्य, अंगुल्य मीन्स होगा अंगुलियाँ। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ मीन्स होगा अंगूठा। जानू, जानू मीन्स होगा घुटना। चरण, चरण मीन्स होगा पैर। ललाटम, तो ललाटम मीन्स होगा मस्तक। कर्ण, कर्ण मीन्स होगा कान। कपोल, कपोल मीन्स होगा गाल। मुखम, मुखम मीन्स होगा मुख। कंठ, कंठ मीन्स होगा गला। उदरम, उदरम मीन्स होगा पेट। नाभि, नाभि मीन्स होगा नाभि। नख, नख मीन्स होगा नाखून। उरु, उरु मीन्स होगा जांग। अब हम इसमें दिए हुए अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न एक, मौखिकम अभ्यासम कुरुत अभ्यास पुस्तिकाया च लिखत। तो इसमें है स्कंध, वक्ष, अंगुल्य, अंगुष्ठ, नाभि, उरु। तो इसको हम अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, यथा योग्यम योजयत। तो इसमें हमको मिलान करना है। तो हस्त, तो हस्त का मिलान करेंगे हाथ से। दंता, तो इसका मिलान करेंगे दांत से। नासिका, तो नासिका का मिलान करेंगे नाक से। चरण, तो चरण का मिलान करेंगे पैर से। कर्ण, कर्ण का मिलान करेंगे कान से। नेत्रम, तो नेत्रम का मिलान करेंगे आँख से। प्रश्न 3, उचित क्रियापदेन सहयोजत। तो इसमें भी हमको मिलान करना है। तो हम मिलान करेंगे, नासिका का मिलान करेंगे जिघ्रति। कर्ण का मिलान करेंगे श्रीणोति। मुखम का मिलान करेंगे वदति। और नेत्रम का मिलान करेंगे पश्यति से। प्रश्न संख्या 4, चित्रम रचयत। तो इसमें जो है शब्द दिया हुआ है और खाली स्थान में वही चित्र हमको बनाना है। तो दंता, तो ये बना हुआ है चित्र। कर्ण का चित्र बनाएंगे। नेत्रम, इसका भी चित्र बनाएंगे। नासिका, तो इसका भी चित्र बनाएंगे। और हस्त, तो हस्त का भी चित्र बनाएंगे।